चंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, हरियाणा की शान जिंदाबाद। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के तहत नेता अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप लोगों की समस्याएं जानने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। क्योंकि सारे हरियाणा में हम जो है और सेशन चल रहा है तो समस्या पूछे लोगों की और वही हम विधानसभा में उठाएंगे। वैसे तो हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख है, जब वो किसान है किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं, व्यापारी हैं, आढ़ती हैं, कर्मचारी हैं, गरीब आदमी है, मजदूर है, शहरी है, ग्रामीण है, वो भी वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इस सरकार ने आने के बाद ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति में उसमें नंबर एक था, आज नंबर एक बेरोजगारी में और अपराध में बड़े तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, आप देखो ना हर जगह हाहाकार मची हुई है। रोज अखबार पढ़ो 10 खबरों में से 8 या 9 मतलब निराशाजनक होती है, कोई कहीं कत्ल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस किस्म की खबरें हैं। और कल जो है ये सारे बात मुद्दे नजर होंगे, सभी साथी हैं वहाँ पे प्रसाद मंडी में है ना, मंडी में रखे अनाज मंडी में रखे। जैसे आज भी जो जैसे आड़तियों ने अपनी समस्या रखी है हमारे प्रजापत समाज में जो सीनियर सिटीजन है और भी आ रहे हैं लोग अभी जो अभी एक बार बात कर सीएम सिटी में 80 लाख रुपए के साथ अधिकारी पढ़ा जाता रहेंगे सीएम सिटी में 80 लाख रुपए के साथ अधिकारी पढ़े करप्शन फ्री है क्या जाता है ऐसा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इतनी भ्रष्ट सरकार इतना भ्रष्टाचार कभी देखा आपने देखा भाई। नौकरियों में नौकरियां इस तरह बिकी हैं इस प्रदेश में, जैसे परचून की दुकान पे कोई सामान बिकता है। एसएस कमीशन का जो है फॉरन सर्विस कमीशन का चेयरमैन हुआ और एचपीएससी में तो मतलब करोड़ों रुपए पकड़े गए और कोई जैसे आप घोटाला और नौकरियां बेचने का काम और इस वास्ते भ्रष्टाचार कर रही वहाँ पर। लड्डू बटे करनाल में कहा गया कि पहले सीएम को कहा गया था सर नहीं वहाँ रंगा से पकड़ा गया, डीडीपी के पकड़ने में लड्डू बांटे गए वहाँ के लोगों द्वारा, लड्डू बटे करनाल में डीडीपी के पकड़े जाने पर फिर उन्होंने मकान तोड़े गए, 4 साल रिश्वत ली थी उन्हें। तो मैं कह रहा हूँ ना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, स्मॉल फिश पकड़े बड़े बड़े पकड़े तो मछलियाँ हैं मगर मछ तो अभी मतलब जैसे भी घोटाले हुए, शराब का घोटाला हुआ, SITM बैठाएंगे आज तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं, धान की खरीद का घोटाला हुआ उसकी रिपोर्ट आई नहीं, पिछड़ा की तो मीटर खरीद का घोटाला हुआ उसकी रिपोर्ट आई नहीं, HPSC का जो नौकरी का घोटाला हुआ उसकी रिपोर्ट आई नहीं, तो कोई भी मतलब SIT बिठा देते हैं इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती। हुड्डा साहब कल की क्या रूपरेखा रहेगी विपक्ष आपके समक्ष का जो प्रोग्राम कर रहे हैं? हम सारे हरियाणा में कर रहे हैं, पहले 3 जगह हम करके आए हैं और अब यहाँ पर है, इसके बाद फिर करेंगे जब फसल की कटाई के बाद। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पे प्रोग्राम जिला स्तर नहीं जिला जिला स्तर कितने जिले हो लिए अब तक नहीं हमारे देखो करनाल से शुरू किया था, करनाल किया फिर आपका जींद किया मेवात किया नू में अभी चौथा है। सर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो उनका लक्ष्य अगला लक्ष्य हरियाणा है हमारा, हरियाणा में भविष्य देखते हैं इनका इस तरह दावे किए जा रहे हैं? हरियाणा सब आप अलग अलग प्रदेश की अलग अलग वो होती है पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो अलग अलग होता है। यहाँ तो मतलब दिल्ली में दिल्ली के 3 तरफ है हरियाणा, दिल्ली में तो कई साल से आप पार्टी 2017 में पंजाब में बहुत आम पार्टी के आए लेकिन यहाँ तो किसी जमात भी नहीं बची, तो इस प्रकार से आम आदमी का कोई यहाँ असर पड़ने वाला नहीं है। 90 स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर क्या रहेगा, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर क्या रहेगा क्योंकि अप्रैल में पहले होने थे फिर उसके बाद फिर टाल अभी अभी तो रेफरी करिए सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, हाईकोर्ट ने बयान दे दिया अभी हम नहीं चाहते, पहले तो तारीख अनाउंस कर दी
अप्रैल में 24 या 22 करी थी, अब कह दिया अभी हमारा कोई विचार नहीं है, भाग रही है। तो पंजाब के चुनाव का कोई प्रभाव नहीं हरियाणा की राजनीति पे पड़ेगा? पंजाब के चुनाव, पंजाब के चुनाव पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पे असर पड़ेगा? पड़ेगा, जैसे वहाँ बीजेपी का सफाया हुआ है या बीजेपी जेजेपी का सफाया हो जाएगा, सर। कुक्षेत्र की सड़क की डिमांड विधायक जी ने उठाई विधानसभा में, मेवा सिंह जी ने उठाई सड़क की डिमांड कुक्षेत्र की, आप भी आवाज उठाएंगे ताकि मिट्टी कहीं हम जब जो हमारे विधायक उठाते हैं तो असर भी हो रहा, मिट्टी बहुत ज्यादा बुरा है। असर तो सरकार किसी काम की नहीं है, मैंने कहा ये सरकार जो है जैसे बैंक में हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है, बाकी उसमें बड़े पंप एंड शो से करेंगे, एडवर्टीजमेंट फ्रंट पेज पे पूरे पूरे अखबारों में निकालेंगे, इसी वास्ते अखबार वाले साथ ही हमारी खबर भी नहीं निकालते, क्या करें असली से तो है आपके सामने इनका पब्लिसिटी प्रचार इवेंट मैनेजमेंट और नॉन परफॉर्मिंग। क्षेत्र में पिछले हफ्ते 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 घायल हुए सड़क पे, कुल मामले कई मर चुके हैं। इस पे देखो, उस पे देखो, जो केएमपी पे देखो, रोज खबरें आती है, मतलब कोई इनका इस तरह ध्यान नहीं है, सड़क दिखा के आएंगे, क्योंकि सड़क जो है पहले सड़क थी तो कहीं कहीं गड्ढा दिखता था, अब तो गड्ढे में सड़क दिखती है, ये परिस्थिति है सारी सड़कों की, जो नेशनल हाईवे छोड़ के जो भी स्टेट हाईवे या स्टेट रोड है सारी रोडों का यही हाल है। विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा साहब आ जाए, सारे कुरुक्षेत्र की सड़कें दिखाएंगे ताकि ये विधानसभा मुख्यमंत्री को कहे कि हम ये देख के आए विपक्ष आपके समक्ष हल करो, मतलब तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का प्रोग्राम यही है, हर जगह जाके वहाँ की समस्याओं से अवगत होना और वो उसी हिसाब से।